विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मीडिया के साथी और देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर जुड़े महानुभाव, आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशन्स का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनी है, यानी इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे ज्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 2014 में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइनें बनती थी, आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इस वर्ष 5,500 किलोमीटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी, यानी स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष भारत में जुड़ेगी। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है, यह जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व स्तर की यात्रा का आनंद दे रही है। वंदे भारत को कुछ ही वर्षों में एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत का डेवलपमेंट भी आरंभ हो गया है। अमृत भारत ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है। पहली दो ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। 2014 में रेलवे के पुल और अंडरपास यानी आरओबी आरयूबी धीमी गति से बनते थे, वर्ष में मात्र 415 की औसत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिवर्ष 1000 से अधिक पुल और अंडरपास बना रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अब 280 किलोमीटर से अधिक बन गया है। कश्मीर में धारा 370 हटने से काम में तेजी आई। चिनाब और अंजी के पुल बनकर तैयार हुए, 97 किलोमीटर टनल बनी। आज बारामूला से श्रीनगर और श्रीनगर से संगलदान तक ट्रेन से यात्रा संभव हो गई है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क पर ऐतिहासिक काम हुआ है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव की लागत से वगैरह पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे, उसकी कुछ जानकारी है तो बगैर बता सकते हैं तो बताइए। जी सर, करीब 2021 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 स्थानों पर। माननीय गवर्नर्स, 20 LG साहब और गवर्नर साहब जुड़े हैं इस कार्यक्रम में।
माननीय मुख्यमंत्री गण 11 स्थानों पर जुड़े हैं, 11 राज्यों में। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स 8 जुड़े हैं, 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जुड़े हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट 26 जुड़े हैं सर, और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं, 590 सांसद जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े हैं। कई दिनों तक कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। करीब पिछले 20-25 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें छात्रों ने एक विकसित भारत की कल्पना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा, कैसे वो रेलवे में देखते हैं, उस विषय को लेके क्विज हुए, ड्राइंग हुए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए और कई जगह ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए। छात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ हो रहा है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों को दी जा रही रेलवे परियोजनाओं की सौगात पर बनी एक लघु। आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ, 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ, 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम बड़े स्तर पर एक अभूतपूर्व गति से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन हो, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन हो, बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस हो या श्री राम जन्मभूमि स्थित अयोध्या धाम स्टेशन, आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को दी जा रही है सौगात, जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का कायाकल्प और 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पित कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन और कर रहे हैं वर्चुअल शिलान्यास देश भर में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का।
ये अमृत स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर, जो हमारी महान संस्कृति, लोक विरासत और स्थानीय वास्तुकला को दर्शाएंगे। यहाँ होंगे एयर कॉन्कोर्स, आधुनिक वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया, पर्याप्त पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और आवागमन के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं। साथ ही ये स्टेशन होंगे पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग फ्रेंडली भी। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल और सड़क यातायात तथा रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवरब्रिज और अंडरपास का लगातार हो रहा है निर्माण। 2014 से 2023 के दौरान 10,000 से अधिक रेल लाइन के ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम पूरा हुआ है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण। देश भर में 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। निर्माण की अभूतपूर्व रफ्तार की मोदी सरकार की गारंटी से सुनिश्चित होगा विकसित भारत का संकल्प। जय हिंद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है, आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत, विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ है। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2,000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से
जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षण संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी, तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है, तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के हैं। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा, ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हर जवान को, हर नौजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प
यह विकसित भारत की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा, राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है, तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है, गुजरात में द्वारिका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है, आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था, किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों, दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की
स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा। लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 10 साल पहले जब हम 11वें नंबर पे थे तब रेलवे का औसत बजट 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता था। आज जब हम 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है तो इस वर्ष का रेलवे बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों ना हो, अगर मेड टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ तभी 2,500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब 50% डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं। जब नई रेल लाइन बिछती है तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, यह हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी
इससे फायदा होगा। हमारी रेल छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है। इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गति तेज होगी तो समय बचेगा, इससे दूध, मछली, फल, सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आने वाले 5 वर्षों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतीय रेल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। भारतीय रेल को अपने कायाकल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रमों में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया है। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम में रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे। ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर